में ये कॉपर वाला मॉड तो कैसे डाउन कर पाए, मतलब आपका माइनक्राफ्ट में जो सारा सारा आर्मर्स रहता है और सारा सारा जो टूल्स रहता है वो सब तो रह रही, डायमंड का, बाद में नेदर राइट का, आयरन का, वो सब कुछ रहेगा, बट उसमें आपका जो ये और ऐड हो जाएगा, मतलब ये कॉपर का जो सारा सा सारा अभी मैंने टूल्स पहना है यहाँ पे, मैंने सारा सारा जो मेरे पास जो सारे सारे टूल्स है, सारे सारे आर्मर है जो मैंने वेयर करके रखा हुआ है अपने माइनक्राफ्ट पॉटर एडिशन में, ये वाला मॉड मैं आपको तो बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर पाए। ये आपका तो जो एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा, ये मतलब आपका एक्स्ट्रा ऐड होता, आप सब कुछ हटेगा नहीं, ठीक है, ये आप तो मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा। तो चलिए मैंने आपको तो यहाँ पे दिखा तो दिया, और आप इसे जो है अपने सर्वाइवल में क्राफ्ट भी कर सकते हैं, बस नॉर्मल रेसिपीज हैं, जैसे हमारा सब चीज़ क्राफ्ट होता है ये भी उसी तरह से जो है क्राफ्ट होगा, मतलब आपका आर्मर था जो क्राफ्टिंग रेसिपीज है आपका वही रेसिपी इसमें काम करने वाला है, बस खाली आपको जो है कॉपर इंगट चाहिए, कॉपर इंडेक्स से आप इसे जो है आराम से क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा माइनक्राफ्ट 1.17 का लेटेस्ट अपडेटेड मॉड। तो चलिए मैं तो बता देता हूँ कि आप तो इसे डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो चलिए मैं तो बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। इसे करने के लिए आप तो वीडियो पर एंटर तो देते ही पड़ेगा, तो चलिए मैं तो बता देता हूँ इसे डाउनलोड करने का प्रोसेस। तो ऑलरेडी दोस्तों मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, बट उस लिंक में अभी मत क्लिक करिएगा, पहले वीडियो पर एंड करके समझ जाइए कि कैसे इसे करना है, कैसे एक्टिव करना है, तभी उस लिंक पर जो है क्लिक करिएगा। तो आप जैसे उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपसे सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपसे सामने जब ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे तरफ कर लेना है, और यहाँ पे आपका सारा का सारा देखिए मतलब जितना भी टूल्स है सबका यहाँ पे PNG है, मतलब आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सारा सारा आपका टूल्स का जो है PNG आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है इसका सारा सारा रेसिपीज भी दिख जाएगा, तो आप यहाँ से जो है रेसिपीज भी देख सकते हैं, और वो रेसिपीज जो हमारा नॉर्मल रहता है और आप उसे क्राफ्ट भी इजिली कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो देख पा रहे हैं आप नीचे में यहाँ पे फाइल्स वाला ऑप्शन है, फाइल्स वाले ऑप्शन से नीचे हमारा जो चार चार मतलब पैथ्स है, मतलब आपका चार पैथ है, बट आपको इसमें जो है खाली दो पैथ जो है डाउनलोड करना है, तो कौन से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर बिहेवियर V2MC पैथ, V2 वाला है ना बिहेवियर वाला, V2 वाला आपको जो है डाउनलोड करना है, और प्रॉपर रिसोर्स V2MC पैथ को भी जो है डाउनलोड करना है। तो आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मुझसे पूछ रहा है क्या आपसे इसे वापस डाउनलोड करना है, तो अब मैं वापस डाउनलोड कर लेता हूँ सिर्फ आपसे तो बताने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में से क्लिक करता हूँ, ये हमारा जो डाउनलोड भी इजिली हो चुका है। तो अब जैसे ही आपको ये वाला एक तो फाइल डाउनलोड हो जाए, वैसे भी मैंने बिहेवियर पैक तो डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अब मुझे जो यहाँ पे रिसोर्स पैक डाउनलोड करना है, तो रिसोर्स पैक भी मैं जो है V2 वाला कर लेता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं जो डाउनलोड वाला वापस से पूछ रहा है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं आप वापस से जो डाउनलोड वाले सेक्शन में से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर में ये जो डाउनलोड भी हो चुका है, आप जब यार नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में ही रहें तो आपको क्या करना है, आप इसमें ऐसे जो है क्लिक कर देना है, अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है माइनक्राफ्ट का डायरेक्ट ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जैसे माइनक्राफ्ट में ओपन करेंगे तो आप जो है माइनक्राफ्ट ओपन ओपन होना जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पहले वेट कर लेना है अपने माइनक्राफ्ट पहले ओपन हो जाने देना है। सॉलिड देखिए मैं जो है माइनक्राफ्ट भी ओपन हो चुका है, और ऊपर में हो चुका है इम्पोर्ट स्टार्टेड, तो यहाँ पे मैं जो ये फेल्ड हो चुका है, बट आप ये होता है सक्सेसफुल इम्पोर्ट। तो आप सब एक भी मतलब दोनों फाइल में जो भी एक भी अगर आपको पहले इम्पोर्ट हो जाए तो आपको वापस से अपना नोटिफिकेशन वाले सेक्शन से डाउन कर लेना है, डाउन करने के बाद आपको ऊपर ही में यहाँ पे जो फाइल रहेगा आपको उसमें से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे पॉपअप वाला एक ऑप्शन उठते आ जाएगा, तो आप इसमें जो वापस से जो माइनक्राफ्ट वाले सेक्शन में से क्लिक कर देना है, तो आप ये वापस से इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे में ऑलरेडी इम्पोर्ट है इसलिए हमारा ये जो वापस फेल हो चुका है, बट इतना जब हो जाए सक्सेसफुल इंपोर्ट तो फिर आपको क्या करना है, आप जो प्ले वाले सेक्शन में से क्लिक करना है, प्ले वाले सेक्शन में क्लिक करने पर आपको सिंपली न्यू वर्ल्ड बनाना है, न्यू वर्ल्ड बनाना है, क्रिएट न्यू करना है, फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड को क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड को क्लिक करने के बाद आप इसे सर्वाइवर और क्रिएटिव में दोनों में रख सकते हैं, तो मैं अभी क्रिएटिव में कर देता हूँ। तो यहाँ भी देखिए इतना रहने के बाद मैं भी इस साइड से नीचे आ जाता हूँ एडवांस में, एडवांस में आने के बाद इधर मुझे रिसोर्स पैथ में पहले आ जाना है, रिसोर्स पैथ में आपको माई पैथ में जाना है, माई पैथ में आपको प्रॉपर अचीवमेंट रिसोर्स पैथ V2 रहेगा, तो आप इसे जो एक्टिव कर देना है। इतना देखिए आप जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो आप तो जैसे ही आपका एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपसे जो प्रॉपर इक्विपमेंट रिसोर्स पैथ V2 ये आपका इधर पे जो है दिखाने लगेगा, तो फिर आपसे जब ये हो जाए तो आप तो वापस से अपना जो बिहेवियर पैथ में आ जाना है, बिहेवियर पैथ में आने के बाद आप तो इधर जैसे जो है एक्टिव कर देना है, इधर भी एक्टिव आप जब करेंगे तो आपसे यहाँ पे टर्न ऑफ अचीवमेंट आएगा, आप तो जो इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इतना रहने के बाद आप वापस से जो अपना गेम में आ जाना है, गेम में आने के बाद आप तो इधर भी जो है शो टॉलीनेट्स भी कर सकते हैं आप, और इधर पे एक्सपेरिमेंट्स में आता आपको जो है हॉलीडे क्रिएटिव फीचर्स से जो ऑन कर देना है, बस आपको तो यही ऑन करना है और इसमें से कोई भी ऑन मत करिएगा।
इतना होने के बाद आपको अपना वर्ल्ड जेट क्रिएट कर लेना है, तो अपना वर्ल्ड जेट क्रिएट होने लगेगा, आप तो थोड़ी देर वेट कर लेना, अपने वर्ल्ड पहले क्रिएट होने देना है। तो ऑलरेडी तो देखिए वहाँ वर्ल्ड भी क्रिएट हो चुका है, तो आप जैसे ही वर्ल्ड क्रिएट हो जाए तो आप क्या करना है, आप तो अपना माइंड में जाना है और प्रॉपर इंजर्ट जो है फाइंड करना है, अगर आप सर्वाइवल में हो तो। अगर आप क्रिएटिव में चले हो तो आप इधर थ्री डॉट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है आप इधर अपने आर्मर वाले सेक्शन में आ जाना है। आर्मर वाले सेक्शन में आने के बाद आप इधर पे जो है सारा सारा आर्मर और टूल्स जो है यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको, तो आप यहीं से जाते हैं इसे जो है इक्विप भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी दोस्तों आज वाले वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दे लाइक कर देना, अगर चैनल पे भी आप नए आए हो और चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते रहता है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत जन ने हमें सब्सक्राइब अभी तक करते नहीं रखा है और हमारे वीडियो से डेली डेली देखते हैं बट सब्सक्राइब जो है नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाकर बता देना कि आपको और कौन कौन सा मॉड्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ऑलरेडी दोस्तों आज वाले वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।